एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही है, तेरा क्या प्रॉब्लम क्या है? सर मेरा भाई कल शाम से लापता है। किसावन की बीवी भी लापता है, इसको भी कंप्लेंट लिखवानी थी, बाद में पता चला झगड़ा करके मायके चली गई है। सावंत, अरे उसके दोस्तों को फोन कर, पता चल जाएगा। मैं उसके दोस्तों से पूछ चुका हूँ। क्या हुआ उसके? क्या हुआ? मैंने बोला था इसको ध्यान से खेल, ज्यादा शांति नहीं करने का, अभी जाके मर साला। अरे यार 21 साल का छोकरा ही गायब हुआ है ना, 16 साल की छोकरी तो नहीं जो बार बार ये मेरा टेबल बजा रहा है। आप मेरी रिपोर्ट लिखेंगे या नहीं? पहले इसको निपटाता हूं, एक मिनट। कब से लापता है तेरा भाई? कल शाम 4 बजे के बाद उसे किसी ने देखा नहीं। तेरे को कायदा कानून कुछ मालूम है कि नहीं? 24 घंटा पूरा होने से पहले मैं टेक्निकली कोई भी कंप्लेन लिख नहीं सकता, और अभी 4 बजने में 2 घंटे बाकी। चल निकल अब, 4 बजे के बाद दोबारा अगर मेरा टेबल बजाए ना तो भाई के साथ तू भी लापता हो जाएगा। चल चल। आ जाएगा साहब, पानी पी लीजिए। ये उम्र ऐसी है साहब, इस उम्र में अधिकतर लोग अपने घर का रास्ता भूल जाते हैं। वैसे महमूद नाम है मेरा, महमूद भाई कहते हैं सब यहां। पानी पी लीजिए। नाम बोले यार। जी बोलो ना। अरे अपना नहीं, गुमशुदा का अनुज श्री। ए साउंड, मेरा पेन ले गया तूने? अरे तेरे पेन की मैं बत्ती बनाऊंगा क्या यार? चल नाम बोल, नाम बोल। जी अनुज श्री। यादव एक इंडिया पे लगाता क्या? ए तू दिमाग का दही मत करा, पता नहीं चला क्या हो गया इस इंडियन टीम को, पैसा खाया इन लोगों ने, पैसा खाया। ए तू उनका पैसा छोड़, पहले मेरा पैसा निकाल, तीन का भाव था। सुधरेगा नहीं, ले तेरा 2 मीटर डाउन ना, ले गिन ले गिन ले। सर ए, कल का भाव बोलना। 1 का 2 न्यूजीलैंड पे। भाई साहब, और ये तेंदुलकर ने सेंचुरी मारा तो 5000 नकद ऑन द स्पॉट। भाई साहब, और तेंदुलकर आउट हो गया तो पार्टी। अच्छा पार्टी, साले मतलब मेरा पैसा तो हमेशा लेता रहेगा और तू मेरे को पार्टी देगा? आप लोग मेरी कंप्लेंट लिखी है या नहीं? मजाक बना रखा आप लोगों ने, 2.5 घंटे से मैं आपके हाथ पैर जोड़ रहा हूं। मेरा भाई कल शाम से घर वापस नहीं आया और आप लोगों को क्रिकेट देखने की पड़ी है। मैं पूछता हूं, सरकार आपको तनख्वाह किस चीज के लिए देती है? पब्लिक की मदद करने के लिए या पुलिस स्टेशन में बैठ के क्रिकेट देखने की? सर सर क्या हो रहा है यादव? नहीं कुछ नहीं सर, ये आदमी। सर मैं बताता हूं, 2 घंटे से मैं अपने गुमशुदा भाई की रिपोर्ट लिखाने की कोशिश कर रहा हूं और कोई मेरी सुनने को तैयार ही नहीं। मैं पूछ सकता हूं अगर मेरे भाई को कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए अब आइए मेरे साथ। महमूद भाई जरा चाय बोल दो। सिगरेट? जी नहीं। देखिए अपने लोगों की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं, और यकीन मानिए सब पुलिस वाले एक से नहीं होते। सर इस वक्त मैं सिर्फ अपने भाई के बारे में सोच रहा हूं। छोटा है आपसे? हमारे बीच में झगड़ा हो गया सर, वैसे तो कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करता, एक्चुअली मैंने उसे कुछ ज्यादा ही डांट दिया, इसी का बुरा मान गया वो। सिगरेट तो आ जाना चाहिए था सर, मैंने उसके सारे दोस्तों से पूछा लेकिन किसी को कुछ नहीं मालूम, समझ में नहीं आ रहा सर। मैं सब जगह ढूंढ चुका हूं। सब जगह से आपका मतलब? कॉलेज, कैंटीन, दोस्तों के घर, हॉस्पिटल्स,
भगवान ना करे उसे कुछ हो गया हो, पर फिर भी हो सकता उसका एक्सीडेंट हो गया हो या फिर गुस्से में आके उसने कुछ करने की कोशिश की हो। देखिए परेशान ना होइए, मैं सिर्फ पॉसिबिलिटीज की बात कर रहा हूं। उसका कोई फोटोग्राफ है आपके पास? जी जल्दबाजी में भूल गया। खैर कोई बात नहीं, आप ऐसा करिए, आप बाहर जाके बाकी की डिटेल्स लिखवा दीजिए और जल्द से जल्द उसका कोई फोटोग्राफ हमें भेज दीजिए। हम अपना काम शुरू कर देते हैं और तब तक आप भी हॉस्पिटल्स वगैरह में फोन करके पूछताछ कीजिए, ठीक है? हॉस्पिटल, आपके पास कैजुअलिटी में कोई केस आया? पर तो फिर इमरजेंसी में चेक कीजिए ना प्लीज। अनुज जी, अनुज श्रीवास्तव। एज यही कोई 22 साल का होगा? नहीं नहीं, मोटा नहीं है। थैंक्स। हेलो हेलो, अमित भैया है वहां पर? हाँ है ना, क्यों कुछ पता चला क्या? हाँ जरा उनको फोन दे, जरूरी बात करनी है। हाँ देता हूँ। अच्छा सुन, एक काम कर। हाँ? तू जितनी जल्दी हो सके भैया को लेकर यहाँ पर आ जा। कहाँ? ओके। कभी बॉडी दिखा देंगे क्या रे? इधर मुर्दे लोग का नुमाइश लगा है क्या? कभी खुद आता है, कभी अपने दोस्त लोगों को लेके आता है। चल अभी सुबह आना। भाई साहब प्लीज, वो उसके बड़े भाई है। प्लीज भाई साहब, सिर्फ 2 मिनट के लिए खोल दीजिए। जल्दी करना अभी। तुम लोगों की वजह से मेरी लास्ट ट्रेन छूट गई ना, तो टैक्सी का भाड़ा भी तुम्हारे से ही लूंगा मैं। अंदर आने के लिए इनविटेशन देना पड़ेगा क्या? हाँ? अंदर आ जा और मुर्दे का चेहरा देख ले। साला इस सड़ी हुई लाश के सामने अपन जिंदगी पर खड़ा नहीं रह सकता। यहां इसमें एनकाउंटर हुआ है साले का, सरकारी गोली लगी है सीने में, माल लेके सड़क रहा था, पुलिस ने 2 इंच का होल करके सुला दिया साले को। अभी देख कैसा बास मार रहा है सड़ेले कुत्ते की।